क्या आपने सुना है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट इंडिया की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कभी भी कोर्ट्स सफिशिएंट नंबर में हो पाएंगे? हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ऑल्टरनेट बॉडी के बारे में जिसने कोर्ट्स के बर्डन को कम करने का काम किया है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिब्यूनल्स। इस वीडियो में ना सिर्फ हम ये जानेंगे कि ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं, बल्कि कोर्ट से वो किस तरह डिफरेंट होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्ट्स के बारे में। हम में से बहुत सारे लोगों को कोर्ट्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा कि जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान से किसी भी तरह से डिस्प्यूट करता है, चाहे वो सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल नेचर का हो, तो उसे रिजॉल्व करवाने के लिए हम जाते हैं कोर्ट के पास। मतलब इंसानों को अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो कोर्ट्स के पास निवारण के लिए हम जाया करते हैं। इंडिया के कोर्ट्स कुछ इस तरह से बाइफर्केटेड हैं कि ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है हमारा एपेक्स कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, जो कि सिर्फ एक ही है। वेयर एज उसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट, जो कि स्टेट लेवल पे मिलते हैं, एंड ये काफ़ी सारे हैं। मैक्सिमम स्टेट्स में अपने अलग हाई कोर्ट फॉर्म किए हुए हैं, बट कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो हाई कोर्ट शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा एंड पंजाब, दे शेयर द सेम हाई कोर्ट, विच इज चंडीगढ़ हाई कोर्ट। सो ये स्टेट लेवल पे आपको मिलेंगे, वेयर एज सुप्रीम कोर्ट आपको सेंट्रल लेवल पे मिलता है। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमारे यहाँ पे अलग तरह के कोर्ट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उस पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं। एंड उसके नीचे आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें रिमेनिंग सारे कोर्ट्स कवर हो जाते हैं। अब अगर बात करें कि इन कोर्ट्स में क्या होता है, तो देखिए, ये बोलते हैं कि कभी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन करानी है। हम सबको पता है कि पार्लियामेंट क्या बनाता रहता है, लॉ बनाता रहता है। लेकिन अगर हम उसको इंटरप्रेट करने की बात करें, उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की बात करें, उसका मतलब समझने की बात करें, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमने कोर्ट्स को। कोर्ट ना सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट करती है, बल्कि एक जजमेंट भी सेट करती है फॉर द फ्यूचर कोर्सेस। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं मेन, उन्हें हम बोलते हैं CJI, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड ये वही CJI हैं जिनके सामने हमारे प्रेसिडेंट सर अपनी ओथ लेते हैं। यस, फिर आते हैं हाई कोर्ट, और इनमें फंक्शन करने वाले जजेस को हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। देन उसके नीचे आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स, जिनके जजेस को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। सो इस तरह से बाइफिकेशन है कोर्ट्स का हमारे इंडिया में। अगर मैं अब आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताऊं, तो थोड़ा सा पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। सी, हम सबको पता है इंडियन कोर्ट्स में कितनी पेंडेंसी चलती है। जब भी इंडियन कोर्ट में कोई केस आता है तो उसमें अक्सर 2, 3, 4, 5 साल तो लग ही जाते हैं। ये नॉर्मल थिंकिंग है इंडियंस के अबाउट द कोर्ट्स। बट ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न है इंडियन पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अब लोग होंगे तो लोगों के झगड़े भी होंगे, झगड़े होंगे तो वो कोर्ट भी जाएंगे, तो कोर्ट्स भी क्या करेंगे, किस टाइम पे किसका केस एंटरटेन करेंगे, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच, ये करते करते कोर्ट्स की पेंडेंसी क्रिएट होती गई। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमें स्पीडी डिस्पोजल चाहिए किसी भी केस का, तो उसके लिए हमें एक ऑल्टरनेट बॉडी बनानी पड़ेगी। इनिशियली कोर्ट्स इस चीज़ के फेवर में नहीं थे। कोर्ट्स ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें परमिशन दिया है ये पर्टिकुलर काम करने का, तो आप कैसे बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता डिबेट्स एंड डिस्कशन से बताया गया उन्हें कि ये जो भी हो रहा है, ट्रिब्यूनल्स बनाने की जो बात हो रही है, ऑल्टरनेट बॉडी बनाने की जो बात हो रही है, वो सिर्फ इसलिए हो रही है ताकि आपका बर्डन कम किया जा सके। विद दैट उन्हें ये भी समझाया गया कि ट्रिब्यूनल्स एक ऑल्टरनेट बॉडी या फिर सब्स्टिट्यूट की तरह काम नहीं करेंगे, ये एक सप्लीमेंट की तरह काम करेंगे।
कहने का मतलब है ये कोच को रिप्लेस नहीं करने वाले हैं, इंस्टेड ये कोच की मदद करेंगे लेस सीवियर नेचर को डिसाइड करने में। मतलब आज भी जो मोर सीवियर नेचर के केसेस होते हैं लाइक क्रिमिनल केसेस और बहुत बड़े बड़े अमाउंट के केसेस, वो कहाँ जाते हैं? नॉर्मल कोर्ट्स में ही जाते हैं। ये ट्रिब्यूनल सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं और वही स्पेसिफिक केसेस ही एंटरटेन किए जाते हैं इन ट्रिब्यूनल्स द्वारा। पर ट्रिब्यूनल होता क्या है? ट्रिब्यूनल इज अ क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। क्वाजी का मतलब होता है पार्शियल, मतलब ट्रिब्यूनल एक ऐसी पार्शियल जुडिशियल बॉडी है जो कि केसेस डिसाइड करती है, डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन करवाती है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करती है। अब इसे पूरी तरह से जुडिशियल अथॉरिटी क्यों नहीं बोला जा रहा? उसका रीज़न ये है कि इसके पास कुछ ही जुडिशियल पावर्स होती हैं। एट द सेम टाइम ट्रिब्यूनल्स में हमेशा जजेस ही रहें सिर्फ, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। काफ़ी बार इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव लोग भी रहते हैं। सो इसे प्रॉपर तरीके से जुडिशियल इंस्टीट्यूशन बोलना गलत हो जाएगा, इसलिए बोला जाता है ये आधा अधूरा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है। जुडिशियल क्यों बोला? क्योंकि काम वो डिसीजन मेकिंग का कर रहा है जो कि नॉर्मल कोर्ट्स का होता है। देन ये एग्जिस्टेंस में आते हैं स्पेशल एक्ट्स की वजह से। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, NCLT ट्रिब्यूनल, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल आया कंपनीज एक्ट की वजह से एग्जिस्टेंस में। कंपनीज एक्ट आया, उसने बोला NCLT को एग्जिस्टेंस में लाओ, तो ये ट्रिब्यूनल वहाँ पे बन गया। अब ये ट्रिब्यूनल के पास सिर्फ आप तभी जा सकते हैं जब आपके पास कंपनी लॉ से रिलेटेड कोई केस होता है। तो ऐसा नहीं है किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और आप इस ट्रिब्यूनल के पास चले गए, नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिक केसेस ही देखते हैं, हर नेचर का केस नहीं देखते हैं। सो कंक्लूसिव वे में बोलूं तो ट्रिब्यूनल वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, वो आधी अधूरी जुडिशियल बॉडी है जिनको एग्जिस्टेंस में लाया गया था ताकि कोर्ट्स की बर्डन को कम किया जा सके, लेस इम्पॉर्टेंट नेचर के जो केसेस होते हैं वो इनके पास ट्रांसफ़र करके, या फिर आई शुड से लेस सीवियर नेचर के केसेस को इनके पास ट्रांसफ़र करके। विद दैट ये सिर्फ स्पेसिफिक केसेस ही देखते हैं, ये हर नेचर का केस नहीं देखते हैं। अगेन इनका एस्टेब्लिशमेंट स्पेशल एक्ट की वजह से होता। सी कोर्ट्स वो लीगल सिस्टम है जो जिसके पास आप जा सकते हैं सिविल या क्रिमिनल केसेस को लेके, वेयर एज ट्रिब्यूनल्स के पास आप सिर्फ स्पेशल केसेस को लेके जा सकते हैं। कोर्ट्स आपके वैरायटी ऑफ केसेस से डील करते हैं। जैसे किसी भी तरह की सिविल प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप सिविल कोर्ट्स में जा सकते हैं, किसी भी तरह की क्रिमिनल प्रॉब्लम होती है तो आप क्रिमिनल कोर्ट्स में जा सकते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल्स सिर्फ स्पेसिफिक केसेस ही देखता है, इसके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है केसेस की। देन जितने भी कोड बने हैं प्रोसीजर के लिए, चाहे वो CPC हो, CRPC हो, वो सब कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं स्ट्रिक्टली, वेयर एज ट्रिब्यूनल्स के ऊपर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। देन अगर मेंबर्स की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कोर्ट्स में सिर्फ जजेस रहते हैं, वेयर एज ट्रिब्यूनल्स में जजेस एज वेल एज रिटायर्ड जजेस एज वेल एज एग्जीक्यूटिव बॉडी में से भी कोई आ सकता है। सो ट्रिब्यूनल्स में अलग अलग तरह के लोग आ सकते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन्हें प्रॉपर जुडिशियल अथॉरिटी ना बोल के हम बोलते हैं क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। अगर ऐसा है लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने फ्यूचर में आने वाली हैं। विद दैट अगर आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे वी रन डेली क्विजेस, सो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।